मम्मी देखो मम्मी कितनी मजबूत है, इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गई। कौन है आप, कहाँ जा रही हैं? पैसे नहीं निकलेंगे। कौन से पैसे, हुँ? किस पैसे की बात चल रही है? बिल्कुल बताते हैं भैया, लेकिन पहले अपनी माता श्री की बात तो सुन ले। टीवी वाले कैमरा माही आए पहुँचे हो। वो तो ठीक है मम्मी जी, लेकिन ये पोंख दिया क्या होता है? देखिए पोंख दिया का मतलब है कि दो नंबर कर दिया, और यहाँ पर बात बिल्लियों की चल रही थी जिन्होंने पोंख दिया था। अबे अबे हटे आई ही वहन गा होने ये देवा, ये कौन सा केमिकल है? इनो ज्यादा पानी कम है। इनो ज्यादा पानी कम है तो एक काम कर, चबा के खा ले। क्या देख रही हो? अरे तेरी शक्ल देख रही है। क्या हो गया कि दो गड़बड़ हुई है आज? एक तो नेदू को यानी कि साले को भेजा एटीएम पैसा निकालने के लिए, तो जब वो पैसा निकाल रहा था एटीएम मशीन पैसा गिन रही थी तभी लाइट चली गई। हो सकता है जनरेटर काम नहीं कर रहा होगा एटीएम का, तो पैसा फंस गया। अब वो वहीं पर फंसा हुआ है, पैसा भी और वेदू भी। और दूसरी गड़बड़ ये है कि मेरा पेट गड़बड़ है। कल जहाँ मम्मी लोग गई थी निमंत्रण में, वहाँ से लाई थी पूड़ी खाने के लिए। हमें पूड़ी खाता नहीं, मेरा पेट थोड़ा सा पूड़ी पचा नहीं पाता, लेकिन इसने जबरदस्ती मुझे पूड़ी खिलाई। मैंने ये नहीं बोला था कि खाओ तो खाता ही खाओ, लिमिट होती है खाने की। क्या लिमिट होती है, कितनी खाई थी मैंने? आपके आदत था कि इकट्ठा खा ले, तो आदमी दो दो रोटी का दो भूखे रहता है। तो दो रोटी नहीं थी ना, पूड़ी थी। रोटी पूड़ी कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा भूखा रहता है, नहीं कि यहाँ तक गटक ले। यहाँ तक नहीं गटका था, थोड़ा नीचे था एक दे रोटी तो मांग रहे थे तो ना तुम, फिर वो भी ना बोल देते कि खाने को नहीं देती। ये उदाहरण दिखाया मैंने कि अगर कोई लड़ने वाली बात करो तो पेट दर्द चला जाता है। उसके पहले पैसे नहीं निकल रहे, और अभी कितनी तेज आवाज निकली है। वेदू फंसा हुआ वहां पर, तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी जाऊँ एक बार देख के आता हूँ। पापा को फोन लगा के बता दिया, क्योंकि एटीएम पापा का ही था जिसमें से पैसे निकाले थे, कि पापा जी आपके अकाउंट से कट गए हैं पैसे, निकले नहीं हैं। तो बोले देखो वहाँ पे लाइट वाइट आए, तो मैंने बोला देखना तो ठीक है, हम लोग देखेंगे, आप बता दीजिएगा कि पैसे लौटे या नहीं, मैसेज आया तो। वैसे लौट आते हैं पैसे अधिकतर टाइम पे। मम्मी कहाँ कर दे रही, कौन है बीचा? मम्मी बोल रही कि वो जो बिल्लियां हैं उन्होंने यहीं पर पोंक दिया था, ये पता है मुझको, चल आगे बता। तो आगे की बात ये है कि घर के पास वाले एटीएम में ही वेदू यानी कि साला और पैसे दोनों वहीं पर फंसे हुए थे। तो मम्मी भी वहां पर जाने की कोशिश कर रही थी, मैं उनको मना कर रहा था, लेकिन मेरी कोशिश नाकामयाब हुई और मम्मी भी घर से निकल गई। और मम्मी ये बता रही कि वो जो बिल्लियां हैं जिनको मैं दूध दे देता हूँ, वो कहीं भी करके चली जाती हैं। दिक्कत तो है, एक जहाँ मैं काम करता हूँ ना उस कमरे में भी एक जगह उसने बना ली है, रोज वहीं पर करती रहती है। कम से कम 5-6 दिन से मैं उठा रहा हूँ, उठा के फेंक रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मुझे आने वाले छोटे भीम की प्रैक्टिस करवा रही हो, उठा के तो तब भी फेंकना पड़ेगा, कभी निकाल के कभी कुछ करके। मैं साइकिल लेके जाता हूँ, मेरे तो गाड़ी लेके चला गया है। पता है पेट भले ही ख़राब है, मेरा मन कर रहा है कि इडली जाके खा के आऊँ, पर वाइफ को बता दिया है मैंने गलती से, तो मना कर रही है वो। साइकिल से जाऊंगा, काफी दिनों बाद निकल रहा हूँ मैं साइकिल। तो मेरी मम्मी के निकल जाने के बाद मैंने भी अपनी गाड़ी उठाई और निकल पड़ा, गाड़ी मतलब कि साइकिल उठाई और निकल पड़ा। तो ये जो रास्ता और आजू बाजू में घर आप लोग देख रहे हैं ना, इस जगह को कहते हैं बटालियन, और यहीं पे है मेरा घर। अब मेरे घर की बात करूं ना, तो बाहर से किसी को मेरा घर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मेरे घर के चारों तरफ इतने सारे पेड़ पौधे हैं कि केवल पेड़ पौधों की हरियाली दिखाई देती है। खैर मैंने साइकिल उठाई और मम्मी के पीछे पीछे जाना शुरू किया, तो मुझे कुछ दूर जाके मम्मी दिखाई दी। ब्रेक बदलवाना पड़ेगा। मम्मी देखो मम्मी कितनी मजबूत है, इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गई। उनका पीछा करते करते मैं भी पहुँच गया, उनसे पहले पहुँच जाऊँगा एटीएम। कौन है आप, कहाँ जा रही हैं? पहुँच गया हूँ मैं एटीएम के पास। अब ये जाके उधर बैठ गया था लगता है दूर। क्या हुआ?
पैसा भी फंसा हुआ, लाइट नहीं है ना। यही वो एटीएम है जो तेरे पैसे खाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग देख रहे हो कि साला भी अपने सर में हाथ रखा हुआ है, मम्मी भी अपने सर में हाथ रखे हुए हैं और दोनों इंतजार कर रहे हैं लाइट के आने का, क्योंकि लाइट आएगी एटीएम चालू होगा, अब पैसा निकलेगा या तो कैंसिल हो जाएगा वो इनको ही पता है। मैं तो दोनों को बोल रहा था कि घर चलो जैसी लाइट आएगी तुरंत आ जाना, घर से दूर ज्यादा थोड़ी है एटीएम। ओए ओए, लेकिन इसकी बात कोई भी नहीं मान रहा था बस इसके सिवा। चलो करते रहो बात, हम चले। तो मैं जैसे ही वहां से निकला वैसे ही मम्मी ने पीछे से कहा कि अभी तुम्हारा पर्सनल एटीएम होता ना तो रुके रहते। भाई उठ जा उठ जा। तो मम्मी और साला तो वहीं बिगड़े, मैं वापस अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। कोई फायदा नहीं ना खड़े रहने का, जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक एटीएम चालू नहीं होगा, जब तक एटीएम चालू नहीं होगा तब तक पैसे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे पता नहीं चलेगा। तो मैं जाता हूँ घर, नेहा अकेली है, धूप भी ज्यादा है। तुम क्या कर रही हो? अबे देख लो अलमारी खुली हुई है, मतलब है कि कुछ ना कुछ सामान को इधर से उधर और उधर से इधर कर रही होंगी, समझ रहे हो ना? समझते हो कि नहीं समझते बताओ। ये क्या निकाली हो? रखना बैग है क्या? सॉक्स है और क्या है? किसके? तुम्हारे? क्या तुमको सॉक्स की जरूरत पड़ेगी उधर हॉस्पिटल में? क्यों? नेहा बोल रही है कि डिलीवरी के टाइम पे स्वेटर सॉक्स कान भी बंद, डिलीवरी हो जाती तब। क्यों? ठंडी लगती है डिलीवरी के बाद? समझ में नहीं आ रहा साला कि दर्द होता रहता हल्का फुल्का। कौन सा दर्द है? अभी दो दिन तीन दिन पहले डॉक्टर के यहाँ गए थे, उसने बोला, क्या बोला था? टाइम है अभी। उसने ये बोला था कि वो जो सर्विक्स बोलते क्या उसको, बच्चा दानी, उसका मुंह नहीं खुला है। चलिए तो ठीक है, मम्मी आती हैं उनसे पूछते हैं कि क्या है नेहा का दर्द, पहले ही मैं एक बार बोल चुका हूँ, मम्मी से पूछते हैं। ये आपको मैंने बताया नहीं ना अभी तक, एक दिन मैंने नेहा को घर में पार्टी दी थी छुप छुप के, और तब ये गिफ्ट भी दिया था नेहा को, देखा तुम्हारे लिए क्या करता। तुम आज तक मुझे कुछ गिफ्ट दी हो? दियो गिफ्ट क्या? अभी थोड़ा गिफ्ट दे मैं मसक दूंगा। और कोई गिफ्ट? वॉच दिया, लेकिन मेरे गिफ्ट देने का कोई मतलब कहाँ यूज ही कहाँ करते हो? तो मैंने पहले बोल दिया था घड़ी मैंने पहनी हुआ, मैं एनिवर्सरी में दिया था कि जन्मदिन में, जन्मदिन में घड़ी दी थी, कपड़े दिए थे ना एनिवर्सरी में, घड़ी एनिवर्सरी में घड़ी दी थी, घड़ी पहनते ही नहीं हूँ मैं। मम्मी नहीं आई, वेदू आ गया, लाइट नहीं आई तो इंतजार कर रही हैं कि वहाँ पे एटीएम से पैसे निकल जाएगा तो कोई लेना आएगा। खाने का टाइम हो गया, इधर लेके आता हूँ मैं उनको। वहाँ का फिर तो चलो खाना खा, फालतू में वहाँ खड़ी थी जैसे आयशन एकदम एटीएम से एटीएम लाखत। क्या कर रही है? कौन सी बिंदी? क्यों लगाने को कहे को लगाई तो बड़ी बड़ी डिब्बा मॉल मिलती हूँ ना, इतने इतने जो जैसे दवा आई है उस तरह के डिब्बे, जैसे दवाई है उस तरह के डिब्बे, इस तरह का डब्बा थोड़े गहरे रहे। हाँ मिलते हैं, लाना है। तो आप लोग, मैंने बताया था ना कि एटीएम में पैसे फंस गए थे, मम्मी लोग वहाँ रुकी थी, मैंने उनको जबरदस्ती लेके भी आया, फिर लाइट आई एक घंटे के बाद, लगभग आधा घंटे के बाद, तो वो पैसे तो नहीं निकले जो मशीन में घूम रहे थे, और पैसे कट गए थे पापा के अकाउंट से। तो उम्मीद है कि 24 घंटे में लौट आएंगे, क्योंकि लौट आते हैं, घबराने वाली ऐसी कोई बात होती नहीं। तो मेरा पेट अभी हल्का फुल्का ठीक है, थोड़ा बहुत गड़बड़ गड़बड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है। हाँ बोलो। कहाँ चलो? नहीं जाना, दिमाग ना खराब करो मेरा, ले चलो जल्दी, तुम पैदल चली जाओ। नहीं जाना, बोल रही कि उधर जाना, वो जहाँ क्या क्या करवाते हैं पार्लर, ये जहाँ पर कटिंग छटिंग होती है। हम लोग तो लड़कों को देखो केवल बाल कटवा के आ जाते हैं, लड़कियों को बाल भी कटवाना है, इसको भी पतली करवाना है मोटी हो जाओ तो कमर भी पतली करवाओ, ये मोटी हो जाए तो इसको भी पतली करवाओ, और पति की हालत मोटी हो जाए तो पति की हालत भी पतली करवाओ। मैं मना कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि अब दिक्कत है ना गाड़ी में, अब इतना पेट निकल आया है, थोड़ा बहुत इधर धक्का धुक्का ना लगे एक ब्रेकर में आने जाने में, समझी बात। मम्मी मम्मी कहाँ हैं? सो रही हैं क्या? अभी भी पंखे की आवाज़ आ रही है, मम्मी की नहीं आ रही, सो रही है।
हाँ, क्योंकि मम्मी जब जागती है ना तो पंखे की, कूलर की, बादलों के गरजने की किसी की आवाज नहीं आती, केवल मेरी मम्मी की आवाज आती है। अब मुझे जाना है मेरे किराए वाले कमरे में, पंखा लगवाना है, बस इतना काम करना और वापस आ जाना है, फिर लिखना है कुछ कंटेंट। अभी अभी उनकी भी नींद खुल गई, अभी यहाँ कहीं बिल्ली दिखाई दी थी, कहाँ है, क्या है, इंतजार में खड़ी थी क्या इधर? हाँ बिल्लू। हम लोग घर से आ गए हैं और ये लगता है हाथी भी अपने घर से निकल आया है। ऊपर में अपनी पीठ में बहुत सारे पीपल के पत्ते लिया हुआ है। लेकिन मैं बताऊं तो मैं ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इनकी जगह जंगल में होती, ना कि इन सब लोगों के लिए। क्या होता है कि मैंने देखा ये लोग हाथी पालते हैं, उनको सही से रखते नहीं है, चोट कर जाते हैं और बस एक तरह का धंधा चला लेते हैं हाथी के माध्यम से। अब उनको अच्छे नहीं लगता ये। हे, पंखा लेने आया है या फिर किराने का सामान? पता नहीं अंबानी जी की दुकान में पंखा मिलेगा कि नहीं, लेकिन देख लेते हैं। तो ये पंखे तो निकाल के नहीं ले जाने, जो ऊपर लगे। अरे भैया देखिए, आप कैसी बात करते हैं, रखे तो हैं पंखे इधर, लेकिन ये वाले हैं ऊपर वाले, ये नीचे अपने को सीलिंग वो चाहिए, जमीन में रखने वाले। और मेहुल बोल रहा है ये बेचने के लिए। अंबानी जी बोलेंगे सालो मेरी दुकान के पंखे ले गए। तो पंखा ले लिया हमने, वी गार्ड कंपनी का है, 3800 रुपये लग रहे हैं इसके। हवा हवा चेक कर ली कितनी दे रहा है, कितनी दूर तक दे रहा है, तो जितनी हवा चाहिए उतनी हवा दे रहा है, और जितने पैसे मांग रहे हैं भैया उतने हम दे रहे हैं, बराबर हो गई। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी मिलती है। तो वाइफ ने तो अभी कहा, मैंने वाइफ से और मम्मी से पहले कह दिया था, 4-5 महीने पहले जब नई नई प्रेगनेंसी की खबर मिली थी घर में कि ले लेते हैं, तो तब मना कर दिया दोनों लोगों ने। और अब मुझसे बोल रही थी मम्मी भी 1 महीने पहले, और अभी नेहा भी बोल रही थी कि वॉशिंग मशीन ले लेते हैं ना। मैंने बोला हाँ लेते हैं, ये ले लो, ठेंगा दिखा दिया। अब क्या एक बार डिलीवरी हो जाए उसके बाद ले लेंगे, ताकि मम्मी के लिए भी थोड़ा सा इजी रहेगा कपड़े वपड़े धोना, और सबको घर में दिक्कत नहीं आएगी। मैं भी धो लूँगा अपने कपड़े, तब किसी का एहसान नहीं चाहिए ना, मैं भी धो लूँगा अपने कपड़े। ये हमारा किराए का घर, यहाँ पे बना दिया है सेट पुलिस थाने का। ये जेल का कमरा जहाँ कैदी रहते हैं। अब क्या है कि एक करेक्टर और ऐड कर रहे हैं पुलिस वाला हम लोग। अच्छा, पुलिस में वो ऐड कर रहा है, कॉमेडी बनाता है हमारे कैरेक्टर है मतलब। तो उसके लिए ड्रेस चाहिए एक और लेने आए हैं भाई की दुकान से। तो इनकी दुकान से ही लेके गए थे कुछ सामान, और कुछ और सामान लेने आए हैं। तो इन सब कामों को करने के बाद मैं वापस पहुंचा अपने घोंसले और अपनी चिड़िया के साथ बनाए इंस्टाग्राम रील्स के लिए एक छोटा सा कॉमेडी वीडियो। कुछ लड़कियां अपनी खूबसूरती पे घमंड करती हैं। मैं तो नहीं करती। हाँ तो खूबसूरती पे करती हैं।